हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी। एक प्यारा सा क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण है, अपने पूरा कोण का चार गुना है, ठीक है। तो वह कोण कौन सा है, हमें फाइंड करना है कि वह कोण जो है कौन सा है, ठीक है। वह जो कोण है बता रहा है कि अपने पूरा कोण का चार गुना, अपने पूरा कोण का चार गुना है, तो बताना है कि वह कोण कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, घबराना नहीं है, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मान लेते हैं कि वह कोण जो हमको नहीं पता है, ठीक है। वो कह रहा ना कि एक कोण, तो मान लें कि एक कोण जो है वो तेरी, मानते हैं कि जो एक कोण है और एक यहाँ पर पूरक कोण है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वह कोण है या अपने पूरा कोण मान लीजिए एक से, तो वह जो कोण हुआ 4x है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण वह होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण होता है, यानी कि 4x और x दोनों को जोड़ने पर, ये जो 4x और ये x दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री होगा। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5x, यानी कि 5x की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 18 डिग्री आ गया, ठीक है। इस तरह से 18 लिखेंगे तो नहीं पता चलेगा, यानी कि 18 डिग्री हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि वह कोण कौन सा है, ठीक है। कह रहे ना कि वह कोण कौन सा है, यानी कि पूरा कोण का चार गुना है तो वह कोण कौन सा है। तो हमारा x का वैल्यू आया है यहाँ पर, अभी हमारा x का वैल्यू आया है, तो हमको निकालना है x का यानी कि पूरा कोण का वैल्यू है, ठीक है। तो हमको निकालना है उस कोण को, यानी कि 4x की वैल्यू, ठीक है। तो हमें 4x की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, हमें 4x की वैल्यू निकालनी है तो बस 18 × 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 18 × 4 = 72 डिग्री हमारा उस कोण की वैल्यू होगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।